एक नज़म पेश खिदमत है। गजल और नज़म में ये फ़र्क है कि गजल शेरों से बनती है, शेर यानी कपलेट जिसमें दो लाइनें होती हैं, दो मिसरे होते हैं। नज़म में एक मुखड़ा होता है और बाकी के बंद होते हैं। बंद में कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, 5, 10, 15। नज़म ज़्यादातर एक ऐसी पोइट्री है कि जिसमें एक तरह से पूरी कहानी कही जाती है। इस नज़म में बयान है गुजरते हुए वक्त का। नज़म के शायर हैं जनाब जफर गोरखपुरी और नज़म का उन्वान है 21वीं सदी। शायर कहते हैं कि जब हमने 21वीं सदी में कदम रखा है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये समझ में आता है कि गुजरते हुए वक्त ने हमें क्या दिया और हमसे क्या ले लिया। नज़म के पहले बंद में हमारे दादा यानी हमारे बुजुर्गों के वक्त की बातें, दूसरे बंद में हमारे अब्बा हमारे पिता के दौर की बातें, तीसरे बंद में इस मौजूदा दौर का बयान हो गया और जो आखिरी बंद है उसमें हमारे बच्चे किस रास्ते से गुजरे हैं उसके बारे में शायर ने अपने ख्याल पेश किए हैं। काबिले तारीफ नज़म है ये मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब ज़फ़र गोरखपुरी की 21वीं सदी। आया
काली में घर में आई, आधा प्रभा आया काली में घर में आई, काली साथ अपने ताजा विचार लाई, आगे रवायतों से पढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया, दफ्तर की नौकरी की तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा हो जाता था गुजारा, पैसा अगर चेकम था फिर भी न कोई हम था, कैसा भरा भरा था अपना गरीब खाना, कुछ सुख था एक सबका अपना हो या इन भी था जमाना, एक ये भी है तीसरे वन में इस मौजूदा दौर का बयान। अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला हर चेहरा अजीला मिसा, आंसू न मुस्कुराहट जीवन का हाल वैसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल वैसा, पैसा है मर्तबा है इज्जत विकार भी है, ना कर है यार चाकर बदला है कार भी है, सर पास है जमी है लेकिन सुकून नहीं है, पाने के वास्ते या बड़ा गवाना, दुख सुख का एक सबका अपना हो या मेरा जमाना, एक ये भी है जमाना। किस सदी का हम तो
तुम बरसो बरसे आनंद हो दिलों में जीवन लगे सुहाना दुख सुख का एक सबका कठिना हो या बिना एक वही ताज़ा।